फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पांडव नगर थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले विजय नाम के व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या की एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वीरवार की रात दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले विजय नाम के व्यक्ति की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक विजय वीरवार की शाम को ही अपने जानकार की तेरहवीं में शरीक होने आया था। इसी बीच वहां पर कुछ लोगों के बीच में आपस में कहासुनी हो गई और विजय को चाकू मार दिया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पांडव नगर थाने के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें एक आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी और आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस उनको भी पकड़ने की प्रयास कर रही है। सुने आप पीड़ित परिवार की बाइट। जो फूफा थे वो मेरे पापा के तेरह में पाए थे, हमारे घर से वो जा चुके थे, चाचा घर पे लड़ाई हुई थी, सारे मुझे पता नहीं, मैं अपने घर पे थी। मारने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? आकाश। आकाश नाम है। क्या कारण था झगड़े का जो कि उनकी हत्या कर दी गई? मैं वहाँ थोड़ी थी, मुझे क्या पता, मैं अपने घर पे, उनका घर अलग है, हमारा अलग। आपको इस बात की जानकारी है किस हथियार से उनकी हत्या की गई? छुरी मारी गई है, छुरी पर छुरी मारी गई है। अब सारे परिवार के सामने सारे वहीं रहते थे, जो मारे सब मार मुड़ से जब पड़े। क्या लगता है क्या उनका हत्या करने का पहले से ही इरादा था? अब उनका ये तो ये जानने के हाँ या निहानु का हत्या, उनको बुलाया और बुलाने के बाद में रोका, शाम के टाइम फेरे में आया और उसके बाद में उसको थोड़ी देर में जो काम कर दिया उन्होंने। इनके यहाँ आए थे वो तो अपने दूसरे वाले घर में थे और ये अपने दूसरे साले के घर में पहुँचे, दो भाई रहते हैं यहाँ पर, तो दूसरे साले के दौरे पहुँचे। पहुँचने के बाद उसमें उन्होंने अपना जो भी बना रखा हो मिजान मारने का, सारे के सारे वहीं मौजूद है, उसको तुरंत उसके पीछे से छुरी का वार कर दिया। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लान मर्डर है? पहली बार ही ऐसा हो रहा है, मुझे तो ऐसा कभी तो अब तक पहले हुआ नहीं, लेकिन अभी पहली बार अचानक एकदम उनके हाथ में चाकू आ जाना और मार देना, कहीं ना कहीं पहले से साजिश लगती है? हाँ, साजिश ही है, तो जब अब जो ऐसी बात नहीं होती, रिश्तेदारी मानते तो ऐसा काम नहीं करते।